सरगना समेत पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। बत्तीलाल मीणा है मुख्य आरोपी। गंगापुर सिटी न्यायालय में सुनवाई इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रीट परीक्षा में धांधली को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी बत्तीलाल पर, और बत्तीलाल मीणा को आज कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर इस वक्त पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। सवाईमाधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बत्तीलाल मीणा मुख्य आरोपी जिसे कोर्ट में पेश किया गया है। गंगापुर सिटी कोर्ट में इस वक्त इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। केदारनाथ से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। रीट परीक्षा का मुख्य आरोपी है बत्तीलाल मीणा। पेपर लीक के साथ साथ गड़बड़ी फैलाने का आरोप उस पर है, जिसको लेकर इस वक्त गंगापुर सिटी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पांच आरोपियों को भी आज कोर्ट में पेश किया गया, यानी बत्तीलाल यादव समेत पांच आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, और आज सबकी कोर्ट में पेशी है। तो रीट के धांधली मामले में, पेपर लीक मामले में ये जो आरोपी हैं पांच, जो तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूची की ये कार्रवाई दरअसल थी। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, सुनवाई इस वक्त चल रही है, क्या कुछ दलीलें दी जा रही है और क्या माना जो है कि सुनवाई के बाद जो है रिमांड पर पुलिस मांग सकती है इन्हें? देखिए, अभी तक एसओजी ने सभी पांच आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और अंदर सुनवाई चल रही है। दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो अंदर कोर्ट में मौजूद हैं। हालांकि मीडिया को अंदर किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन जो एसओजी के एडिशनल एसपी हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही सुनवाई पूरी होगी और कोई नतीजा आएगा वो मीडिया से बात करके इसकी जानकारी देंगे। क्या कुछ जी, क्या कुछ पक्ष रखा जा रहा है? देखिए, गिरफ्तारियां कईयों की हुई हैं, पांच लोगों को जो यहां पर पेश किया गया, क्या कुछ दलीलें एसओजी की तरफ से दी जा रही हैं जिसको आधार बनाकर जो है रिमांड पर मांगा जा रहा है? देखिए, गंगापुर सिटी में जो कांस्टेबल पर्चा लीक मामला था, जिसमें पहले भी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मामला वहीं से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी जो बत्तीलाल था। गिरफ्तार होने के बाद जैसे उससे एसओजी ने पूछताछ की, उसने कई राज उगले, और कल जो पुलिस है उसने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद लगभग अब तक ये जो गिरफ्तारियां हैं बढ़कर 19 तक पहुंच गई है। एसओजी लगातार इस काम में जुटी हुई है, जबकि एसओजी इन पे आरोप साबित करने का प्रयास कर रही है। उनके जो सरकारी वकील हैं वो इसको बड़ी बात और बड़ी बहस के माध्यम से रखना चाह रहे हैं, जबकि विपक्षी वकील हैं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, इसमें आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी न्यायालय में न्यायाधीश कक्ष में हैं सब लोग, न्यायालय के अंदर उनकी सुनवाई चल रही है, और जैसे ही कोई फैसला आता है या पीसी रिमांड मिलती है, कोई भी और मामला होगा, उसके बाद एसओजी इस बात का खुलासा करेगी। चलिए, शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। रीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस